गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम के 5 ऐसे प्लेयर जिन्होंने अपने क्रिकेट लाइफ का स्टार्ट 0 रन से किया था। तो गाइस, बिना किसी देरी करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक क्रिकेटर का एक सपना होता है कि उनके डेब्यू मैच में वे 100 लगाए और काफ़ी अच्छी तरह से प्रदर्शन करें, पर दोस्तों कभी कभी लक साथ नहीं देता है और वे 0 पर भी आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडियन क्रिकेट के वर्ल्ड क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अपने पहले मैच का स्टार्ट 0 से ही किया था। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा था कि 1989 में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू था, तभी उन्हें क्रिकेट खेलने का पहला मैच खेलने का मौका मिला। तो दोस्तों, आपको इस मैच के बारे में बता दें कि पाकिस्तान 87 पे 9 विकेट था। फिर जब इंडिया का बैटिंग आया तो इंडिया काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, जो कि 33 पे 3 विकेट था। उसके बाद अजहरुद्दीन के साथ हमारे फर्स्ट मैच खेलने आए सचिन तेंदुलकर। तो आपको बता दें कि वे कैच आउट हो गए थे वसीम अकरम द्वारा, जो कि वकार यूनिस ने बॉलिंग किया था। तो दोस्तों, आपको ये देख के मालूम ही चल गया रहेगा कि इंडियन वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लाइफ का पहला बॉल भी 0 पे ही आउट हुए थे। अपने पहले मैच में शून्य खाता खोल के सचिन तेंदुलकर वापस गए थे। सचिन तेंदुलकर के बाद हमारे सेकेंड रैंक पे आते हैं कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारे कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी भी अपने फर्स्ट मैच के डेब्यू में 0 पर आउट हुए थे। तो हाल कुछ ऐसा था कि दिसंबर के 2004 में जब इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेलने गया था, तो फर्स्ट ODI में महेंद्र सिंह धोनी को मौका मिला था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 42 ओवर में जब महेंद्र सिंह धोनी पिच पर उतरे, तो वे अपने बिना बॉल खेले ही रन आउट हो गए। तो दोस्तों, आपको तो मालूम ही चल गया रहेगा कि इंडियन क्रिकेट के इतने बड़े प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी भी अपने फर्स्ट मैच में 0 पे आउट होके जाना पड़ा था। तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद हमारे थर्ड रैंक पे आते हैं कि VVS लक्ष्मण। तो दोस्तों, अपने क्लासिकल बैटिंग के द्वारा नाम कमाने वाले VVS लक्ष्मण भी अपने फर्स्ट मैच पे 0 पे आउट हुए थे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1999 में जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला डेब्यू मैच खेले थे, तो उसमें वे आउट हो गए थे अपने फर्स्ट ही बॉल पे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब फोर्थ ओवर में सचिन तेंदुलकर डिसमिस होके आउट होके गए थे, तो उनके बाद आए थे VVS लक्ष्मण। तो आपको हम बता दें कि VVS लक्ष्मण अपने पहले ही बॉल पे LBW आउट हो गए थे। तो दोस्तों, ये भी आपको जानकारी हो गया रहेगा कि VVS लक्ष्मण जैसा इतना इंडिया के महान बल्लेबाज भी अपने फर्स्ट मैच में 0 पे आउट होके पवेलियन जाना पड़ा था। तो दोस्तों, VVS लक्ष्मण के बाद हमारे फोर्थ रैंक पे आते हैं सुरेश रैना। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुरेश रैना एक काफ़ी अच्छे कैप्टन भी है, काफ़ी अच्छे बैट्समैन भी है और काफ़ी अच्छे फील्डर भी माने जाते हैं। पर दोस्तों, उनका भी उनके लाइफ का पहला मैच वो 0 पे आउट हो गए थे। तो दोस्तों, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला डेब्यू मैच खेला था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई 30 को जब 2005 में वे अपना पहला मैच खेलने आए थे नंबर 6 बैट्समैन पे, जिस पे उन्होंने बिना खाता खोले हुए पवेलियन जाना पड़ा। तो दोस्तों, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि वे मुथैया मुरलीधरन जैसे बड़े बॉलर के खिलाफ भी आउट हो गए थे अपने पहले बॉल पे। और इस मैच में 2005 पे आउट हो गई थी इंडिया और मैच 3 विकेट से इंडिया को हारना पड़ा था। दोस्तों, हमारे फोर्थ रैंक के बाद हमारे फिफ्थ रैंक पे आते हैं शिखर धवन। तो दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने भी अपने लाइफ का पहला मैच पे 0 पे आउट होके गए थे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनका पहला मैच 20 अक्टूबर को 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 289 रन 3 विकेट पे मारा था। तो दोस्तों, उसके बाद ओपनिंग करने आए मुरली विजय और धवन, इन दोनों ने ओपनिंग की, जिसमें से शिखर धवन ने अपने पहले ही बॉल पे उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। तो दोस्तों, आपको तो ये मालूम चल गया रहेगा कि शिखर धवन जैसा इतना खतरनाक धाकड़ बल्लेबाज भी अपने पहले मैच में 0 पे आउट होके गए थे। तो दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो देख के आपको मालूम ही चल गया रहेगा कि इंडिया के जितने भी धाकड़ और खतरनाक बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपने डेब्यू के फर्स्ट मैच में 0 पे आउट होने का सामना किया था। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।